देखिए, इसको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन लिखा है। फंक्शन टू द पावर फंक्शन आपको याद होगा, लॉगरिथमिक का यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर लें। तो इसको हम लेट कर लेते हैं a और दिस इज b। तो ये हो गया y इज इक्वल टू a प्लस b। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब इन सब की वैल्यू ला के पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू x पावर cos x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log a इज इक्वल टू log x पावर cos x। ये पावर है तो आगे होगा, तो log a इज इक्वल टू cos x log x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वन अपान a और a का डेरिवेटिव डी ए अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन cos x और इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव वन अपान x प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस sin x। तो डी ए अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आएगा तो ये लिखा है cos x अपान x और माइनस sin x और इंटू log x। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू ये लिखा है। तो x पावर cos x और विद इन ब्रैकेट, आप चाहिए तो इसमें ब्रैकेट, इसमें एलसीएम ले लो या तो रहने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने दो। cos x अपॉन x और माइनस साइन x log x, बस केवल वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा dA अपॉन dx। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, b इक्वल टू cos x पावर साइन एक्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग बी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स। तो लॉग बी इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन बी और बी का डेरिवेटिव डी बी अपॉन डी एक्स। अप्लाई प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन वन अपान कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग कॉस एक्स और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कॉस एक्स, एक चीज़ ध्यान रखना, ये कास कास मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये देखिए बी यहाँ पे आ गया और इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो आप देखिए ये क्या लिखा है, इसको माइनस लिख दीजिए और आप चाहिए तो इसको टेन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और टेन एक्स और प्लस कास एक्स, इस कॉस को आगे लिखा मैंने क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो आपको, लॉग कॉस एक्स, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू कॉस एक्स पावर साइन एक्स और माइनस, इसको पहले लिख लो अच्छा लगेगा, कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स टेन एक्स। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वी अपन डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो एक्स पावर कॉस एक्स और ब्रैकेट में होगा एक कॉस एक्स अपॉन एक्स और माइनस साइन एक्स
log x और प्लस इसकी वैल्यू cos x पावर sin x और ब्रैकेट में ये वैल्यू cos x log cos x और माइनस sin x और tan x, ये आपका हो गया dy by dx। ये क्वेश्चन हो गया था ना आपका, सेपरेट कर लो। सेपरेट से क्या होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है। इफ एक्स इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो x एंड y टू फंक्शंस आर गिवन, x फंक्शन इन t वेरिएबल, y फंक्शन इन t वेरिएबल। तो फर्स्टली वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो dx अपॉन dt इसका डेरिवेटिव होगा cos t और डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू कॉस पी टी और इन टू पी, है ना, पी टी। तो पी कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और अपान डी एक्स बाई डी टी। dy by dt is p cos pt और अपान cos t, कैंसिल मत करना क्योंकि ये cos pt लिखा हुआ है, ये cos t लिखा हुआ है, तो आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, है ना, एंगल डिफरेंट है। ये आपका dy by dx हो गया। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये p कांस्टेंट ही अलग हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब इसमें अप्लाई करिए कोसेंट रूल, तो cos t होल स्क्वायर और इसका cos t और इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी और इनटू पी माइनस cos pt और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन t, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये t का जो डेरिवेटिव होगा dt टी अपान डी एक्स होगा, है ना, p होगा इंटू पी और इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। देखिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टी होल स्क्वायर कॉस टी और इसका डेरिवेटिव, ये तो पी तो अलग हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, तो माइनस साइन पी टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पी और टी का होगा डी टी अपान डी एक्स,
ठीक है, टी का डेरिवेटिव डी टी अपन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस कॉस पी टी और इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी नोमिनेटर, तो माइनस साइन टी और टी का होगा डी टी अपन डी एक्स। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, देखिए ये डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस कॉस टी और साइन पी टी और पी भी लिखा हुआ है, पी भी लिखा है और डी टी अपन डी एक्स, तो डी टी अपन डी एक्स इसको से इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉस पी टी और साइन टी, ये ब्रैकेट क्लोज्ड और डी टी अपन डी एक्स कॉमन और अपन कॉस टी होल स्क्वायर। अब इस पहलू को इधर लेकर आइए, तो ये लिखा हुआ है कॉस टी होल स्क्वायर और डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस पी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर और कॉस्टी, कॉस्टी का मतलब लिखा हुआ है, कॉस्टी का मतलब या नहीं इसको इस कॉस्टी रहने देते हैं, कॉस्टी और साइन पी टी का मतलब ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस पी कॉस पी टी और साइन टी और कहाँ पे हाँ ये है ना, नहीं नहीं इसके प्लेस पे इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसके वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे है ना, और इसके बाद में ये लिखा हुआ है इसको वन अपान में करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ये लिखा है x इज इक्वल टू साइन टी, तो कॉस टी यानी कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर और कॉस टी। अच्छा अब देखो अभी ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये कॉस टी और ये इंटू वाई और प्लस ये पी लिखा हुआ है और इंटू इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस टी और क्या अपान पी और डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से इसको फाइंड आउट किया था और इंटू साइन टी लिखा ना, साइन टी की वैल्यू एक्स लिखा हुआ है तो इंटू एक्स होगा और ये देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस टी, तो इसको नीचे कॉस टी कर दिया है ना, ये अब देखिए ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये पी से पी कैंसिल हो गया और अब इसको बस केवल एक लाइन और लिखना है, तो ये लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू आएगा माइनस पी स्क्वायर वाई और ये कॉस्टी से कॉस्टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, अब सबको इधर लेकर आइए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर
डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, यही प्रूव करना था, है ना। तो बस ये वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कास पी टी की वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। कास टी का होल स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये लिखा था, ठीक है। डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कास इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इतने को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कंजुगेट कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या लिखा है, ये तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और अपान ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंड कर दो, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, है ना, और माइनस 2, अच्छा ये दोनों ब्रैकेट लिखे जाएंगे, है ना, तो दोनों को अंडर रूट में लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट रिमूव हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 अंडर रूट ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स पावर 4 लिखा हुआ है, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 2 कामन, तो ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 और अपान 2 एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर। अब एक्चुअल में ये लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स
वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर फोर और अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको यू लेट कर लेते हैं, है ना, इसको यू लेट कर लें, यू इज इक्वल टू यहीं पे लिख देता हूँ, यू इज इक्वल टू। ठीक, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन करिए कि पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो टेन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपन साइन थीटा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये वन माइनस कॉस थीटा और अपन साइन थीटा, तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंगल हाफ होगा और अपॉन टू साइन थीटा बाई टू और इनटू कॉस थीटा बाई टू, ये टू से टू कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस टेन, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। ठीक, तो अब जो है इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो इस ये इससे ये रिमूव होगा, तो यू इज इक्वल टू हो गया थीटा और अपॉन टू, तो थीटा इज इक्वल टू देखिए ये साइन इनवर्स इधर आएगा, तो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स और ये एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा है कि वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और ये यू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी यू और अपॉन डी एक्स वन अपॉन टू और इंटू वन अपॉन पहले तो ये वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, है ना, तो ये एक्स पावर फोर और इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स, है ना, टू एक्स और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ गया एक्स ऊपर और अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर फोर, दिस इज द डी यू अपन डी एक्स। अब इसको वी लेट कर लेते हैं, इसको तो वी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वी और अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर फोर होगा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, तो ये आ गया माइनस टू एक्स और अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर फोर, दिस इज़ द डी बी अपॉन डी एक्स, तो हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स और अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, यही तो फाइंड आउट करना है, यानी यू को जो है वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी वी होगा, सॉरी डी यू अपॉन डी वी, यही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, ये यू लग रहा है, यू लग रहा है ना ये, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर फोर और अपॉन टू एक्स और अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर फोर, ये कैंसिल हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस वन अपॉन टू, ये आंसर हो गया, दिस इज द डी यू अपॉन डी वी डी वी। ठीक, यही फाइंड आउट करना था, एक क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए,
देखिए ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और कुछ कंडीशन लिखा है कि मॉड एक्स प्लस देन 1 बाई रूट 3 विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप u लेट करिए, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखना है ये, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा तो इज इक्वल टू, ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 थीटा, 3 और थीटा की वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा, है ना। तो ये यू हो गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इसको v इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा, तो टेन इनवर्स cos थीटा और अपॉन साइन थीटा लेट करें, है ना, साइन थीटा तो ऊपर होगा साइन थीटा और अपन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स साइन थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू टेन ये इनवर्स और ये लिखा है टेन थीटा, तो इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका वी लिखा है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो और डी u अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स और अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये लिखा है 3 अपॉन अंडर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे डी यू अपन डी वी, ठीक है। इस तरीके के ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पेपर के थे, प्रीवियस बोर्ड पेपर हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए, ठीक है, थैंक यू।